स्वागत है आपकी जनरल डिजाइन क्लासेस पर। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है मात्र 15 दिनों के भीतर। आपका एग्ज़ाम हुआ था 16 को और 15 दिन भी बहुत ही मुश्किल से 14 दिन के भीतर रिजल्ट दे दिया है। यूपीएससी प्रीलिम्स का आपके लिए रिजल्ट आ गया है, तो आईएएस प्री का रिजल्ट आ गया। रिजल्ट जल्दी देने का रीज़न यही है कि आप मेंस के लिए जो लोग हैं वो प्रिपेयर रहें, और जिनका नहीं हुआ है वो अगली बार के लिए मेंस के लिए प्रिपेयर रहें। ये इसका सीधा सा। और एक तरफ आपकी जो संस्था है आप देख रहे होंगे, एक तरफ आपका जो है UP SSSC है और एक तरफ UPSC है। यही डिफरेंस है दोनों में। 15 दिन के भीतर रिजल्ट दे दिया उन्होंने, करीबन कहिए तो 15 साल भी लगा दें वो एक रिज़ल्ट को देने में। तो ये वेबसाइट पे आपकी रिज़ल्ट आ चुका है। ये देखिए PDF है, रोल नंबर्स दिए हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। हाँ, इस बार का की फैक्टर ये रहा है कि CSAT लोगों का क्वालिफाई नहीं हुआ है, GS क्वालिफाई है। तो इसलिए दोनों पेपर्स को बहुत ही ध्यान से करना होगा आपको, क्योंकि अगली डेट भी आपकी मई में एग्ज़ाम होना है। अभी से प्रिपेयर हुई है CSAT को लेकर के। नहीं, GS अगर आसान आ रही है तो CSAT में आप बहुत लोगों के इस बार नंबर 28, किसी के 22 नंबर रह गए हैं CSAT में। तो सभी लोग रिज़ल्ट चेक कर लें।